देखिए बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं। महाभारत के अंदर एक समय की बात, राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर करवाया और उस स्वयंवर में एक मछली टंगी हुई थी। जो कोई भी योद्धा, जो कोई भी वीर यहां पर आएगा और उस मछली की आंख को तीर से भेदेगा, वही द्रौपदी को ब्याह कर ले जाएगा। तो देखिए क्या होता है। राजा द्रौपदी ने कर दिया बड़ा ही ऐलान, बड़े बड़े बलवान पधर, कई सुरमा निकल गई जा। एक से बढ़कर एक योद्धा आते हैं, मछली की आंख में निशाना लगाते हैं। क्या बात है भैया। तो देखिए राजा द्रौपदी सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। बिल्कुल भैया धीरे से स्टार्ट होगा दोनों, ठीक है ना भगत जी। और तीर का जोर कोई अजिमाए, जय हो। तो राजा द्रौपदी कहते हैं क्या शर्म आना चाहिए, यहां पर कई वीर पधारे हैं। वो तीर का जोर कोई अजिमाए, द्रौपदी की लली वो बन के दुल्हन चली। और वो ये द्रौपदी की लली बन के दुल्हन चली, वो जिसमें दम है वो ले जाए। तीर का जोर कोई अजिमाए, तीर का Yeah.
मामा सकुनी कहते अरे कर्ण पहले तू अपनी माँ का पता बता अपने बाप का, क्योंकि उसको विश्वास था कि मछली की आंख को भेद देगा क्या होता है। तो कर्ण से मामा सकुनी क्या कहते हैं, तेरी जान में न जान है ललन, तेरी जान में न जान है ललन, तू तो गा रहा है हरि के भजन, क्योंकि भगवान कन्हैया भी वहां पर मौजूद थे। हरि हरि में हो गया मगन, तेरे बाप ने भी गाए थे भजन, तेरी जान में न जान है ललन,
जब राजा द्रौपदी क्रोधित हो जाते क्या कहते हैं, हो तेरा गुरु हद से बढ़ गया रे, मुझे ऐसा पर नहीं चाहिए जिसका ना माँ का पता हो ना बाप का। तेरा गुरु तुमसे पढ़ी गई है।